खंडगिरी मेला वर्तमान धीरे धीरे जमीबारे लगी। खंडगिरी रे अनेक साधु संत आसिछंती, अनेक साधु बाबा आसिछंती, जहाँ फल भक्तंकर भिड़ मध्य लगी, श्रद्धालुंकर भिड़ देखा मिली। खंडगिरी रे वर्तमान जमुची लोकों भिड़। माघ सप्तमी ठारु आरंभ हो सारी माघ मेला। ए माघ मेला भितर कौटी ना कौटी लोक मैंने यार मजा बेस नौचंती। साधु संतकर गोटे महात्म्य जहाँ कहुच्छी खंडगिरी पीठ से जो महात्म्य रही है, साधु सत मैंने आसुंच सेठे जो निजर सिद्धि लाभ करने धुनि लगे प्रकम्पित होकर ध्वनि जहाँ नाम कीर्तन वर्तमान चली प्रकम्पित होघ सप्तमी ठार जो माघ मेला आरंभ हो जापटे जात्रा कुंभ मध्य आरंभ हो यार भितर लोक मानकर भिड़ देखा मिली। खंडगिरी जात्रा रे खंडगिरी कुंभ मेलें श्रद्धालु मानकर भिड़ जमाई अनेक अनेक श्रद्धालु जो साधु बाबा मैंने देशर कोण अनुकोण साधु सन्त मैंने से रही निजर सिद्धिलाभ करने सहित जगतर कल्याण उद्देश्य यज्ञ होम इत्यादि करुवा देखा मिली। ध्वनि जलाऊँ यार भितर जो श्रद्धालु मैंने आसुंच मुख्य आकर्षण अनेक बाबा रही डाक्तर बाबा कथा कहीपर स्टैंडिंग बाबा हूँ अनेक साधु बाबा रही नागा साधु मैंने रही जहाँ सूचना रही है कि 800 साधु सन्थ रही बेले 80 नागा साधु आसी खंडगिरी यात्रा को 2 वर्ष पर जेहेतु कोविड कटकणा हटी जा श्रद्धालुंकर भिड़ जमुची। ये जो 9 दिन जो मेला रही कौटिना कौटि लोकंर भिड़ दिनकू दिन देखे बढ़िवे लगी देखा लगी कि यार भितर मुख्य आकर्षण साजिंट स्टैंडिंग बाबा कहीं स्टैंडिंग बाबा पाखक अनेक लोकंर भिड़ देखा मिली। गोटे गोड़े ड़ा हो बाबा कि भाव में लोक मद्धा को आशीष दौरान विभूति लगाऊँ आशीर्वाद करोकर लंबा लाइन देखा मिली। तेरे ए संपर्क में आमको अधिक सूचना आम सहयोगी स्मिता जाते स्टैंडिंग बाबा सहित अधिक आलोचना करते खंडगिरी अधिक सूचना दौरान आम सहयोगी स्मिता। आरंभ हो खंडगिरी मेला माघ सप्तमी ठारु खंडगिरी आरंभ हो खंडगिरी मेला। खंडगिरी मेला देखा मिली लोकों भिड़ गाँव रहर सब प्रकार लोक खंडगिरी जमा होती राज्य तथा देशर विभिन्न कोण अनुकोण रु साधु सतर आगमन हो कथा रही। खंडगिरी मेला नाग साधु आरंभ कर विभिन्न प्रकार साधु सत खंडगिरी को आसी था एठारे खंडगिरी मेला हूँ तीर्थस्थान एठारे से तपस्या कर विभिन्न सिद्धि लाभ कर साधु को देखा करने को लोकों भिड़ जमी थाए कि आम आज एमती एक साधु कथा कहूँ जी कि जहाँ को देखा करने को लोकों अनेक भिड़ लगी आपने देखिपे मुझ आम कैमेरा सहयोगी कहूँ से देखेबे बाबा को बाबा हूँ कौन स्टैंडिंग बाबा गोटे गोड़ में ठिया हो बाबा आराधना कर से हरिद्वार आसी स्टैंडिंग बाबा आपने देखिपे गोटे गोड़ में ठिया हो आराधना कर देखा लोकों भिड़ जमी आशीर्वाद नापी लोकों भिड़ जमी आसतु बाबा सहित कथा नमस्ते बाबा बाबा कहाँ से आए? हरिद्वार से आए जी। नहीं बदल लेते हैं हम लोग तो ये हमारा कर्म है हम तपस्या करते हैं बाबा लोग क्या करेंगे भजन पूजन तपस्या त्याग यही तो और क्या। नहीं नहीं ये आकर्षित करने के लिए नहीं ये तो हम अपनी तपस्या करते हैं अब उनको भगवान पे आस्था है विश्वास है तो ये हमारे लिए नहीं आते हैं ये आते हैं 10 भुजा माता के लिए और ये स्थान खंडगिरी है ना इसके लिए आते हैं तो इनके रास्ते में हम लोग पड़ जाते हैं तो ये भी नई चीज आज की दुनिया नया कुछ देखना चाहती है तो देखने में लग जाती है फिर जिनको भगवान पर विश्वास है बाबाओं पर विश्वास है तो आते हैं। अब रामायण में कहा गया है जे की रही भावना जैसी तुम मुझे अगर बाबा रूप में देखोगे तो मैं बाबा रूप में दिखूंगा तुम मुझे भोलेनाथ के रूप में देखोगे तो
तो भोलेनाथ का रूप दिखूंगा, ठीक है ना। ये आपका विषय है, आपको किस नजरों से देखना है। हम आपको मजबूर नहीं कर रहे कि आप आइए मत आइए, आप हम भजन करने, तुम नहीं आओगे तो हम शांति से भजन करेंगे, हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों आते हैं आप? धन्यवाद आपका। तीसरी साल, नहीं नहीं नहीं, हम लोग आए थे और हम लोगों ने कहा भी था, हमने पहले भी कहा था कि आप डरना नहीं, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अपने आप में क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अगर भयभीत हो गए तो बीमारी से ज़्यादा तो आपको भय मार देती है कि नहीं। जैसे कि आजकल बड़ा चल रहा है कि मीडिया वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, पता नहीं क्या कैसे होते हैं, हमें तो पता नहीं, हम तो हमें तो आप अच्छे लगे और क्या कहें बोलो। जब तक ये मेला रहेगा हम तो यही कहेंगे, हम तो आजकल बहुत सालों से ध्यान करते हैं और ध्यान में जो आनंद आता है और हमें अपनी बॉडी को बहुत एनर्जी मिलती है, मन को शांति मिलती है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि संसार को हमें ये मैसेज देना चाहिए कि मन को शांत रखने के लिए एक ध्यान ही ऐसा उपाय है जो मन को शांत किया जा सकता है। हर हर महादेव। धन्यवाद बाबा आपको हमको इतना बताने के लिए। अपन मैंने देखु दिले बाबा को देखिबे को केते भिड़, मु देखिया को चाहिबे दर्शक मान श्रद्धालु मान कर केते भिड़ होई छी। मासी कोन कहबे बाबा को दर्शन करे कोसी हम विश्वास नै के आसी छी, मो किंतु भलो हबो। नै नै प्रथम सर आइ सर अपन दर्शन करिया को आसु, दर्शन करके जेबु भलरे भलरे आ गछ। देखु दिले खंडगिरी रे बाबा को देखा करे स्टैंडिंग बाबा को देखा करिया को केते भिड़ लागिछि। ये होछि खंडगिरी रे चित्र जेटु 2 वर्ष हेलाणी महामारी कोरोना पई मेला बंद थिला। चैत वर्ष मेला होइछि बोली लोकों को समागम देखिया को मिलछि, अनेक भिड़ रहिछि। ये होछि सही खंडगिरी रे दृश्य। भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन रंजित को सह मुस्मिता न्यूज़ 8 ओडिया।